नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में इन दिनों एक नई बहस छिड़ी हुई है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र कर दिया। विरासत टैक्स को लेकर शिकागो से भारत तक सियासी पारा हाई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस इस तरह का टैक्स लगाना चाहती है। कांग्रेस पहले कुछ डिफेंसिव हुई और कहा कि हमने ऐसा कहा ही नहीं है, हमारे किसी घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं है। बीजेपी से मुद्दा बना रही है। सैम पित्रोदा ने सफाई दी, लेकिन बीजेपी अभी भी इस मामले को उठाए हुए है। प्रधानमंत्री से लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री तक हर कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। हर जगह हर रैली में इस बात को कहा जा रहा है। क्या कांग्रेस के लिए सैम पित्रोदा का बयान मुश्किल बन गया है, और देश के साथ प्रदेश में भी इस पर कैसी सियासत हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के शिकागो में सैम पित्रोदा विरासत टैक्स के बयान ने हिंदुस्तान में नया उबाल ला दिया। रैलियों से लेकर चुनावी सभा तक में विरासत टैक्स गूंजने लगा। बीजेपी नेता कांग्रेस को मंगलसूत्र संपत्ति विवाद में घेरने में लगे थे, लेकिन अब बीजेपी को कांग्रेस ने बैठे बिठाए नया विरासत टैक्स का मुद्दा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो लोगों की संपत्तियां उनके बच्चों से ज्यादा घुसपैठियों को बांट दी जाएगी। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीनने की तरह गूंज रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। आप देखिए, क्योंकि उनकी सोच रही है, जिस प्रकार का उनकी सोच है वो जगजाहिर हो जाती है। जो उनका हिडन एजेंडा है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर दिया है, वो भी देश के सामने आया है। जिस प्रकार का उन्होंने कहा है और उनकी सोच दर्शाती है, वो एक वर्ग की बात करते हैं। मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि हमारा जो कार्य होगा वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होगा, और वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को आगे ध्यान में रख करके उसके ऊपर की बातें करते हैं। परंतु आज देश समझ चुका है, देश के सामने जो इनका एजेंडा है वो भी आ गया है। सैम पित्रोदा के बयान पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का तीखा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कांग्रेस का इरादा माता पिता से मिलने वाली विरासत भी टैक्स में वसूलना है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी हलचल तेज है। नेता तीखे शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा का बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को हावी होने पर विराम लगा रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से, और प्रियदर्शनी सिंह हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। पंकज बेनीवाल भाई, जब पार्टी की ओर से यह सफाई दी गई कांग्रेस की ओर से कि ना तो उनके घोषणा पत्र में ऐसा जिक्र है, ना वो कहीं ऐसा कह रहे हैं, फिर आपने इस बयान को पकड़ क्यों लिया है चुनाव में? नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। ये कहते हैं कि सैम पित्रोदा के बयान को भारत की जनता या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी भारतीय सीरियसली ना ले। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि सैम पित्रोदा है कौन। सैम पित्रोदा वो है जो मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल तक सलाहकार थे उनके। ये वही है जो राजीव गांधी के सलाहकार थे। ये वही है जो आज राहुल गांधी के सलाहकार है। ये वही है जिनकी नजरों के नीचे से इनका न्याय पत्र बना है, हर एक बात पर मोहर लगाई है सैम पित्रोदा ने। ये वो सैम पित्रोदा है जिन्होंने इनका न्याय पत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और आज उनका ही बयान आता है कि भाई जो अमेरिका में प्रचलन है इनहेरिटेंस टैक्स का, वो आज भारत में भी लागू हो, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए, इस पर होना चाहिए। और न्याय पत्र में लिखते हैं कि संपत्ति, निजी संपत्ति का सर्वे होना चाहिए। तो दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पहला कदम तो है कि सर्वे कराना,
दूसरा कदम यह है कि सरकार उनकी संपत्ति को हड़प ले, छीन ले और अल्पसंख्यक लोगों में बांट दे, जो कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सरकारी संपत्तियों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो ये इनका जो तीन प्रकरण है, जो तीन इनकी हायरार्की है, वो उनका पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम आज सारे देश के सामने है। वरुण जी, 50 क्रोनोलॉजी कह रहे हैं, आप क्रोनोलॉजी बता रहे हैं जी। 50 राज्य है अमेरिका के अंदर, मात्र 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, उसमें भी एक या दो राज्य ऐसे हैं जो इसको वापस करने की होड़ में लगे हुए हैं। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए किसी एक किसान के पास 10 एकड़ है और उसका स्वर्गवास हो गया, उसके बच्चों के पास 5 एकड़ गई, कुछ समय के बाद बच्चों का भी देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, 2.5 एकड़ चली गई, चौथी पीढ़ी में जाते जाते 1.25 एकड़ एक आदमी को मिलेगी। यानी कि देश को गरीबी की राह पर ले जाने के लिए इनका कांग्रेस का एक कदम है। और देश की जनता को, जो आज तक इन्होंने देश की जनता को गरीब रखा है, जब मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ देशवासियों को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, 5 किलो राशन जरूर दूंगा, वो इन्हीं की देन है, वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है जिसने आज देश को गरीब इतनी जनसंख्या में रखा है। और मोदी जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और ये लोग देश को वापिस से गरीबी की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कानून ये लोग ला देंगे तो देश के अंदर जो आज बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है, उद्यम लग रहे हैं या पूंजी सर्जन हो रहा है, वो तो बंद होने लग जाएगा, लोगों में डर बैठेगा। पंकज भाई, वो तो मना कर रहे हैं ना कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नहीं, इरादा क्यों नहीं है, इरादा तो साफ है। अगर ऐसा है तो मैनिफेस्टो से बाहर निकालते कि हम नीचे सर्वे नहीं कराना चाहते। हम जो निजी संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं उसको बाहर निकाल दे अपने उसके मैनिफेस्टो से। क्यों सैनिकों क्यों नहीं दे, झूठ बोलते हैं, इनकी मानसिकता, इनका चरित्र, इनका दोहरा मापदंड आज देश की जनता के सामने है। आज बाहर के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे, लेकिन ये विकासशील भी नहीं बनने देना चाहते भारत को। भारत की अर्थव्यवस्था आज कितनी किस प्रगति पर है, उस प्रगति को प्रगतिशील होने की जरूरत है, ना कि हमें बैकफुट पे जाने की जरूरत है। विश्व गुरु है भारत, हमें दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं है। आज पूरा विश्व भारत से सीखने को मजबूर है कि भारत में किस तरीके का आज सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं या फसल संस्कार है। आगे बात आएगी ना, ठीक है, ये चीजें उनको बैकफुट पर ले जाना चाहते हैं कांग्रेस वाले। हरियाणा कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो रहा, जो न्याय पत्र रहा, उसमें विदेश की फोटोएं लगाई थी लोगों ने। क्या भारत देश के अंदर फोटो की कमी थी? पंकज भाई, भारत देश में हमारे संस्कृति की कमी थी? ठीक है, आऊंगा ना फिर, विदेशी कल्चर को ये लेकर के आए पंकज भाई, फिर आऊंगा। विस्तार से आपने बात की, मैंने पूरा मौका दिया। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मेरा एक सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी में कोई रह रहकर ऐसा क्यों कह देता है या फुलटॉस क्यों डाल देता है सामने? कभी सैम पित्रोदा हो, कभी मणिशंकर अय्यर हो, और सैम पित्रोदा तो करीबी माने जाते हैं, भाई राहुल गांधी के इसमें क्या दो राय है? वरुण जी, आपको, बहन प्रियदर्शनी जी को, भाई ओंकार जी को, भाई डॉक्टर पंकज जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। विरासत टैक्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत का प्रधानमंत्री महा झूठा, महा अफवाहबाज, महा ठग और महा बेईमान व्यक्ति है। क्यों है? ये तो झूठ पे झूठ बोल रहा है, डरा हुआ, घबराया। सम्मानीय भाषा इस्तेमाल कीजिए, राहुल गांधी जैसी भाषा क्यों यूज कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं ना, जैसी भाषा आप करोगे वैसी करेंगे। आप कृपा करके हमको नहीं, ये भाषा का संदेश ना दे। नहीं, अगर नहीं, नहीं, नहीं विद्रोही जी, देखिए आपकी मुझे ना आपके व्यवहार से मुझे आपत्ति रहती है। आप नहीं चाहते आपकी बहस में रहूं मैं, एक मिनट विद्रोही जी, नहीं नहीं विद्रोही जी, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। अगर पंकज बेनीवाल भी ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं आपके किसी नेता के, तो मैं टेक देता हूं। मैं कहां गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं महा झूठा, महा असत्यवादी, महा बेईमान और महा भ्रष्टाचारी। थोड़ा सा संयम से बात करिए ना। मैं साबित करूंगा ना, मैं सर साबित करूंगा, मैं कोई गलत और महा झूठा के महा असत्यवादी कहते मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अपनी बात बढ़ाइए। मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा, आप मेरी बात सुनिए, मैं साबित करूंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। डरा घबराया चुनाव से, मुद्दों से भागा हुआ व्यक्ति हिंदू मुसलमान पर ले जाता है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। अब विरासत टैक्स पाजा हुआ, हम कब इनकार कर रहे हैं कि सैम पित्रोदा हमारे साथ नहीं है? हम तो स्वीकार कर रहे हैं, पर हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, सैम पित्रोदा जी तो आप सरकार में नहीं है, आपके वित्त राज्य मंत्री मोदी सरकार के जयंत सिन्हा,
2014 के अंदर कहते हैं कि विरासत टैक्स आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आपको नहीं जानकारी, तो क्या तो आप अधूरी बात लोगों को बता रहे हैं या कुछ भाजपा का पक्ष लेकर छुपा रहे हैं? मैं भी उनका वीडियो सुना देता हूं 2014 अभी क्या है, मैं 2014 की बात कर रहा हूं, मोदी सरकार की। आपको पुरजोर तरीके से बात उठानी चाहिए थी ना। हाँ तो मैं आप लड़ने क्यों बैठे, मुझे समझ नहीं आ रहा, बात रख नहीं रहे, आक्षेप करे जा रहे हैं। जब मैं आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूँ तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मेरे पे क्यों सवाल उठाएंगे आप? मुझ पे क्यों सवाल उठाएंगे? आप मुझ पे क्यों सवाल उठाएंगे? आप बोल देते मुझे इस विषय में बात नहीं करनी विद्रोही जी, लड़ने बैठे हैं क्या आप? नहीं, मुझ पे क्यों सवाल उठाएंगे आप? विद्रोही जी कोई मतलब है, कोई तरीका है? आप मुझ पे सवाल उठाएंगे? भाई मुझ पे क्यों सवाल उठाएंगे? आप पूछिए पंकज बेनीवाल से बात करिए ना, आपको पंकज बेनीवाल से बात करनी है, मुझसे नहीं करनी है। विद्रोही जी प्रधानमंत्री ना पूरे देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कांग्रेस के नहीं, पूरे देश के। आप बताइए कि उन्होंने ये कहा, मैं नहीं सुनवा रहा हूँ, मेरे पास नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप बौखलाहट तो आज कांग्रेस के सामने, अगर बौखलाहट आपके सामने, 2014 में आपने मुद्दा बनाया था इसको विद्रोही जी, बातों को नहीं चाहते, आप बातों को घुमाना चाहते हैं, आप बातों को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है और आपके जो नेतृत्व है उसमें बाहर का कल्चर सामने आ रहे हैं, आप देश की दुनिया गुमराह करना चाहते हैं, आप ऐसा नहीं चलेगा। आप भोपाल में आप है, आप लोगों की अभी तक हरियाणा के अंदर 9 सीटें तो आई नहीं है। अरे आप लोग 9 सीटें तो ले आओ हरियाणा के अंदर, आप बात करते कि मोदी जी घबरा गए। अरे घबराई हुई कांग्रेस है, कांग्रेस के पास कुछ है तो नहीं बोलते, लेकिन उसके बावजूद आपको बातें घुमाने की कोशिश। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए पंकज भाई, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये एक नया ट्रेंड है, ये शूट द मैसेंजर वाला ट्रेंड है विषय। अरे रुकिए विद्रोही जी, प्लीज रुकिए, रुकिए विद्रोही जी, रुक जाइए। ये मैं जानता हूं ये तरीका क्या है, ये तरीका मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। 2014 में जयंत सिन्हा ने जो कहा, आप सुनवाइए ना, किसने मना करा है आपको, कौन मना कर रहा है? मैं मना की बात बस कर रहा। आपने कोई बात कही, आपको कब रोका है? ये तरीका ठीक नहीं है विद्रोही जी, आप अपनी बात रखिए ना, आपको रोका है मैंने, ठीक है कि मेरा तरीका आपको गलत लगा हो? नहीं, गलत लगा हो वाली बात नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं। कुछ भी कह के निकल जाना कोई तरीका होता ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता में ऐसा हो गया, आपने प्रोमो में दिखाया, क्या जनता मान रही, जनता देश की मान रही, क्या रैलियों में ये मुद्दा नहीं है, क्या आप लोग सफाई नहीं दे रहे? गोदी मीडिया को छोड़कर विद्रोही, विद्रोही जी, विद्रोही जी, रुक जाइए, बस रुक जाइए। हाँ ठीक, इसलिए आप मिलकर यहाँ बैठकर सारी बात बोल पाते हैं, ठीक है, हाँ, और हर विषय पर बोल पाते हैं, हर विषय पर बोल पाते हैं। ये तरीका छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता ये तरीका। आप जो बोल रहे हैं उनमें तो कुछ कटा नहीं है, सब टीवी पे है, अच्छा नहीं लगता, ये तरीका ही ठीक नहीं है आपका, मैं बता रहा हूँ, ये आपकी आदत हो चुकी है विद्रोही जी, ये आपकी आदत हो चुकी है, इसे मान लीजिए प्लीज, और मैं सिर्फ आप पे समय जाया नहीं करूंगा। ओंकार सिंह जी, चलिए, मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया है विद्रोही जी ने, वो अक्सर देते रहते हैं, उनकी ये आदत होती है, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं फिर आ जाऊंगा। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, एक विषय है, उस विषय पे देश और प्रदेश के नेता अपनी बात रख रहे हैं। आप बताइए कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, विद्रोही जी आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी बात जो है वो आक्षेप तक सीमित है, और आपके आक्षेप जो है व्यक्तिगत आक्षेप हो जाते हैं। वरना मैं जा रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखाइए, स्क्रीन पर दिखाइए विद्रोही जी को, अगर आप मेरी बात सुनोगे तो मैं हूँ विद्रोही जी, एक मिनट विद्रोही जी, अधिकार है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपका अधिकार है। अरे विद्रोही जी को दिखाइए भाई स्क्रीन पर, विद्रोही जी है या चले गए? विद्रोही जी, आपने कहा कि आपको बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि आपको बात रखने, अरे सुनिए ना, आप सुनिए ना, बात को सुनिए, ये नहीं होता, वन साइडेड रनिंग कमेंट्री नहीं चलती। आप क्या, आपने एक तो आप क्या करते हैं आजकल व्यक्तिगत आक्षेप में उलझने लगे हैं, वो सामने कोई भी बैठा हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको बोलने का अवसर ना दिया गया हो किसी भी विषय पर, लेकिन आप जब व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं तो आप समझिए कि अगर आपसे कुछ उसमें क्रॉस किया जा रहा है तो कुछ गलत नहीं हो गया है। उसको इतना व्यक्तिगत ले जाने की, मैं कभी आप पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन ये आपकी आदत बन गई है, आप कुछ भी कह देते हैं, कभी कहते हैं आप डर गए हैं, कभी कहते हैं कुछ है।
जबकि आपको हर बार हर विषय पर आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है, हर विषय पर, कभी भी रोका नहीं है। लेकिन अगर आप इसे व्यक्तिगत बनाना चाहते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खाना है पर भूख नहीं, छोटी उम्र में खो गए बाल, पेट का है बुरा हाल, शरीर बीमारियों का डेरा है, तो चिंता काहे की, घबराने की क्या बात है, तो ढूंढ की बात है जी, तो ढूंढ की बात है। अब डाइजेशन हुआ कमाल, चुस्ती ने सुस्ती को किया बेहाल, स्किन और बाल है बेमिसाल, यंग रहो अब सालों साल, दो घूट की बात है जी, दो घूट की बात है। चलिए जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विद्रोही जी का जवाब मैं लूंगा, और उस विद्रोही जवाब दीजिए, फिर मुझे दौर दो मेहमानों के पास जाना है। बताएं ना, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था 2014 के अंदर जयंत सिन्हा जी ने मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते विरासत टैक्स की बात कही, तब प्रधानमंत्री जी ने कोई खंडन नहीं किया। 2018 के अंदर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा विरासत टैक्स आना चाहिए, तब प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। 2019 में जुलाई के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया कि विरासत प्रस्ताव लाओ, तब प्रधानमंत्री जी को विरासत टैक्स नहीं लग रहा था। और दूसरी बात, भारत में विरासत टैक्स पहले भी था। इस विरासत टैक्स को 16 मार्च 1985 को राजीव गांधी सरकार ने रद्द किया। इसको रद्द करते हुए कहा गया था कि विरासत टैक्स से केवल 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, इसका नहीं है, और इससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है। आज भी हमारा वो स्टैंड है कि विरासत टैक्स की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कही कि हम किसानों पर, आप मुझे बताइए, कृषि तो टैक्स में है ही नहीं, इसलिए किसानों पर विरासत टैक्स लगेगा, ये बात ही गलत है। कृषि पर टैक्स लगाने की किसने बात की? आदरणीय मोदी जी ने की। ये कहते हैं कि हम गरीब आदमी के देसी हैं, आप सब लोग शायद आप भी टैक्स देते होंगे, इनकम टैक्स, आप पर जो अधिकतम इनकम टैक्स है वो 33.2% इन्होंने कर रखा है, और जो कॉर्पोरेट है उच्च, जिसे हम हाई रिच कहते हैं, अमीर लोग कहते हैं, उनका इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 20% कर दिया। जो लोग अमीरों के दलाल सरकार जो अमीरों का टैक्स तो कम कर रही है और आम आदमी का टैक्स बढ़ा रही है, वो कहती है कि भाई हम आम आदमी के देसी हैं। प्रधानमंत्री असत्य बोल रहे हैं कि भाई मंगलसूत्र आपका गिरवी रख जाएगा। आप अपने रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखिए, ठीक है, कि गृहणियों ने 1,00,000 करोड़ रुपए गिरवी रखकर अपना सोना रखकर, ठीक है, रोजगार जी की बारी है, किसके राज में रखा, अब यही बात पहले रख लेते हैं आप, तो क्या चला जाता है। हमारा ये कहना है, लास्ट बार हमारा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत की जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं कि वो झूठ बोलते हैं और असत्य बोलकर अपनी चुनावी हार से बौखलाकर, चुनाव के मुद्दों से भागकर, हिंदू मुसलमान और असंगत मुद्दे लाकर जनता को ठगना था। ये बात ऐसे पहले रख लेते तो क्या चला जाता। ओंकार सिंह जी, ओंकार जी, आपने वैसे ही मान लिया, ओंकार आपने वैसे ही मान लिया, ओंकार मैंने वो आप पर व्यक्तिगत नहीं कहा था, ओंकार जी के संदर्भ में बात। ओंकार जी, ये चुनाव चल रहा है, इसमें कई मुद्दे हैं, अचानक से इसमें ये कि एक्सरे करवाएंगे या फिर सैम पित्रोदा का बयान आ गया, ये बैठे बिठाए मुद्दे दिए किसने? मान लीजिए मुद्दों का असर होगा नहीं होगा बात की बात है, अभी रैलियों में इसकी खूब चर्चा हो रही है, हर जगह हो रही है, प्रदेश में भी नेताओं ने शुरू कर दी है, ये मौका किसने दिया? वरुण जी, पहले तो मैं कहूंगा आज की डिबेट में ना मेरे को कुछ अटपटा सा लगा। देखिए, मैं बहुत चैनलों पर बैठता हूँ, लेकिन वरुण गोयल जी कैसे एंकर हैं जो कभी भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, वो हमेशा मुस्कुरा के दूसरे व्यक्ति को ना कटाक्ष करके दूसरी तरफ चले जाती हैं। और वेद विद्रोही जी भी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आज कैसे उलझ गए मेरे को समझ नहीं आई, मेरे लिए दोनों ही सम्मान्य है। अब मैं मुद्दे पर आऊंगा, देखो सैम पित्रोदा ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये ज्यादा मायने नहीं रखता, ये कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी की ताक में, बीजेपी के पास कुछ नहीं है कहने को, कुछ दिखाने को नहीं है, 10 साल में क्या किया, ये तो देख रहे कोई व्यक्ति की जुबान से गलत निकले और ये लपक पड़े, जैसे चील लपक पड़ती है ना वैसे लपक पड़े। अब उन्होंने कहा कि विरासत टैक्स की वो विश्लेषण होना चाहिए, ये कौन सी बड़ी बात है, मोदी जी ने भी एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर दी थी, ये कौन सी बड़ी बात है,
एक व्यक्ति ने क्या दिया तो विरासत टैक्स लग नहीं गया। मैं कोई इनकी तारीफ नहीं, इनके फेवर में नहीं कर रहा, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। इनका कोई ना कोई बड़ा नेता कुछ ना कुछ, पता नहीं इनकी टंग स्लिप होती है या जानबूझ कर बोलती है, कुछ ना कुछ खराब होते हैं। लेकिन आज अगर उन्होंने कुछ बोला तो ये बीजेपी अगर उसको प्रयोग करने की कोशिश करी तो इसका नुकसान है बीजेपी को, जनता देख रही है। आज बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है, ये 400 पार का जो नारा दिया था इस नारे की हवा निकल चुकी है, अभी कुछ नहीं है, इनके हाथ में बौखला चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि वो विरासत टैक्स लेके आएंगे, अरे भी कांग्रेस लेके आएगी या नहीं लेके आएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आप तो व्हीकल पॉलिसी ले आए, 10 साल के बाद हमारी गाड़ी पानीपत से आगे नहीं जा सकती, ये कहाँ का न्याय? आप इसके फेवर में है क्या? 30-30 लाख रुपए की गाड़ी है, इनोवा गाड़ी 30-30 लाख में है क्या? एक मिनट, क्योंकि मुझे और मेहमानों को जोड़ना है। प्रियदर्शनी तो पहली बार ही जुड़ी है और आज चर्चा में उनको शामिल ही नहीं कर पाया मैं अभी तक, तो उनके पास भी जाना है। ओंकार जी कंप्लीट करिए। वरुण जी, आज हमारी इनोवा गाड़ी 30-30 लाख की गाड़ी पानीपत से आगे नहीं जा पाती, इतने कितने अमीर हो गए, और इनोवा गाड़ी 10 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर भी नहीं चलती। ये वो व्हीकल पॉलिसी ये लेके आए हैं, ऐसी पॉलिसियां लेके। और इनका मैं आज घोषणा पत्र पढ़ रहा था, ये कह रहे 11.8 करोड़ घरों में हम नल से जल लेके आ गए और 100% घरों में बिजली दे दी। ये कह रहे 11.7 करोड़ लोग हमने शौचालय बना दिए, 9.6 करोड़ को हमने गैस सिलेंडर दे दिए। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, बीजेपी ये जो आंकड़ों का खेल खेलती है, क्या उस आंकड़ों से क्या मेरे भाई पंकज बेनीवाल रात को रोटी ना खाएं और ये 10 बार जाप करें राम मंदिर 10 बार जाप करें, 11.8 करोड़ शौचालय पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, पेट भरेगा रोजगार से। और जब रोजगार की बात करते हैं मोदी जी भी भाग जाते हैं, प्रवक्ता भी सारे भाग जाते हैं, गारंटी देते हैं 5 किलो अनाज की। क्या इन्होंने कभी कोशिश करी कि हम 5 किलो अनाज की बजाय गरीब को रोजगार की गारंटी दे दें, गरीब के बच्चों को शिक्षा की गारंटी दे दे? आज गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल वाले उसकी चमड़ी नोच रहे हैं, माँ बाप की चमड़ी भी नोच रहे हैं, ये नहीं नजर आता। स्वास्थ्य चिकित्सा इतनी महंगी हो चुकी है, सरकारी अस्पतालों का ये हाल है। डॉक्टर, ठीक है ओंकार जी, आपकी बात आ गई और चले, शुक्रिया कि आपने डिबेट को वापस ट्रैक पर लेकर आए जैसे जानी चाहिए थी। प्रियदर्शनी जी, एक विषय है जो देश की राजनीति में उठा है, अब वो कोई कहे स्लिप ऑफ टंग है, टाइमिंग गलत हो गई, बीजेपी उसे कनेक्ट कर रही है। वो कह रही है कि जब संपत्ति सर्वे की बात आई उसके बाद सैम पित्रोदा का बयान आया, यानी ये चीजें जो हैं, ये जो थॉट है ये कनेक्ट हो रहा है। वरुण जी आपको सादर प्रणाम और यहाँ पे बैठे हुए सारे प्रवक्ता साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बोलती हूँ मैं आपको कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आधा अधूरा ज्ञान ही है ये जो विष के समान हो रहा है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ लेकिन मैनिफेस्टो बहुत ध्यान से पढ़ के आई हूँ कि कुछ भी ऐसा तो नहीं लिखा है इस मैनिफेस्टो में, ऐसा नहीं लिखा है। एक नेता जो विदेश में बैठा है, ठीक है, और जो विदेश में ही रहता है उनकी सिटीजनशिप भी वही की है, और उसके बाद उनकी बात को इतना सीरियसली ले रहे हैं लेकिन इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे कि 15 लाख प्रियदर्शनी प्लीज बोलिए। अब आप ट्राई कर लीजिए, खुले नहीं दूंगी, आपकी एक आवाज नहीं आएगी। आप गजब बात करते हैं, बाकी किसी आपकी लाइफ ऐसे एक दूसरे पे कमेंट नहीं चाहिए। महिला होने के नाते
अपनी बातों भाई संयम रखो, संयम रखना सीखो, बौखलाना नहीं है। अच्छा रुकिए, आप सारे के सारे प्रवक्ता बोला रहे हो, बौखलाना पंकज रुकिए प्लीज, 30 सेकंड रुकिए रुकिए, प्रदर्शनी अपनी बात कंप्लीट करिए, प्रदर्शनी बात कंप्लीट करिए, गुजारिश कर दिया। देखिए सबसे बड़ी बात, तुम लोग से तो काम नहीं चलता, पता ये है कि आज की भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसी 5 उपलब्धियां नहीं है जो ये बता पाए। विपक्ष ये इस किस्म से डरे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के वरुण जी इस किस्म से ये डरे हुए हैं कि आप ये देखिए कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट बंद कर दिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, हमारे पार्टी के संयोजक मुख्यमंत्री दिल्ली के उनको जेल में डाला और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आम आदमी के साथ कमाल की बात है, कमाल की निर्दयता है, ऐसी निर्दयता शायद इतिहास में देखी, भारतीय राजनीति में पहली बार देखी होगी इस किस्म की निर्दयता, इस किस्म की क्रूरता। जहां तक मोदी जी मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं, माफ करिएगा मुझे ये बोलते हुए, मैं जनरली पर्सनल कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन जिसको मंगल सूत्र पहनाया ही नहीं उसको मंगल सूत्र की क्या कीमत पता होगी वरुण जी, इससे मुझे कुछ नहीं होता है, ये पर्सनल कमेंट्स है और ये ऐसे नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय है, माननीय है, आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। फिर वरुण जी आप बोलेंगे कि मैं पीछे बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा के लिए इनको माफी मांगनी पड़ेगी, अभी टीवी पर माफी मांगनी पड़ेगी इनको टीवी पर, प्रियदर्शनी को अभी की अभी, कि भारतीय जनता पार्टी के जो नहीं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश के प्रधानमंत्री के बारे में। व्यक्तिगत टिप्पणियां कोई भी ना करे, विषय पे आज कोई नहीं है, को पोलाइज करना पड़ेगा, विषय पे कोई डिबेट की शुरुआत केजरीवाल से कहकर माननीय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है, गलत शब्दावली का प्रयोग किया है, आपको शर्म आनी चाहिए प्रियदर्शनी जी, आपका पोलाइज करना पड़ेगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी अभी कि मेरे शब्दों का चयन प्रधानमंत्री के लिए गलत हुआ है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, बालों को घुमाने से नहीं चलेगा, बात सैम पित्रोदा के ऊपर है और आप बात को कहां से कालू मारकर लेकर के जाते हैं, आप लोग भी विभाजन चाहते हैं, आप लोग भी अल्पसंख्यक लोगों के साथ हैं, आप लोग जैसे कांग्रेस की मानसिकता है वही आम आदमी पार्टी की मानसिकता है, वैसे ही आप दोनों साथ में नहीं तो आप लोग वही है जो कांग्रेस को गालियां देते थे, को घुमा रहे हैं, चलिए मुझे बताएं को घुमा रहे हैं, पंकज मेरे सवाल का जवाब दे, पंकज भ्रष्टाचार करें आप चाहते जो बाहर आए, पंकज बेनीवाल जेल के अंदर रखेंगे, भ्रष्टाचार करने के बाद बाहर नहीं घूमने देंगे उनको। पंकज मेरे सवाल का जवाब दे, क्या आप लोग चुनाव को घुमा रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं? बिल्कुल घुमा रहे हैं, बिल्कुल मेरा सवाल कमाल की बात है, कुमार कमाल को बात कैसे मुद्दों से भटका सकते हैं हम लोग, बताइए, पहले भी कहते थे कि नीति संपत्ति का सर्वे ये लोग करवा करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, देश की जनता का संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, और नहीं उस पर कि ये बात हमारी है और ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी सोच है, ये हमारा अगला कदम है, ये सैम पित्रोदा ने कहकर के अपनी बात को आज कांग्रेस की मानसिकता को, आम आदमी पार्टी को या इंडिया अलायंस की मानसिकता को सामने लेकर के, इनके पास देश के में लड़ाई कौन लड़ेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका चित्रा इनके पास है नहीं, ठीक है, इनके सारों के सारों के मैनिफेस्टो अलग अलग है, कोई कुछ बात कहेगा, कोई कुछ बात कहेगा, ममता बनर्जी कहती है कि देश की प्रधानमंत्री मैं बनूंगी, राहुल गांधी कहते हैं मैं बनूंगा, अरे इनके पास एक चेहरा है नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ाने की बात रुक जाइए, विभाजन की बात आ जाइए, लोग कर रहे हैं देश को बांटने की बात आज ये लोग कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जात पात की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो कि देश का एक गरीब आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसको आगे नहीं बढ़ा दिया जा रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो लुटेरे लोग हैं, जो चोर लोग हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया, वो आज कांग्रेस की गोदी में जाकर के बैठे, ठीक है, पंकज रुक जाइए प्लीज, कांग्रेस के टेंटों में जाकर जो बैठे हैं, आज वो बात कर रहे हैं कि अब हम बात करेंगे, ठीक है, रुक जाइए, करनी थी बात बतानी थी प्रियदर्शनी को, सैम पित्रोदा के साथ है या उसी तुष्टीकरण की राजनीति के साथ है, पंकज प्लीज, अगर ऐसी बात है कि प्लीज तो बाहर निकलिए, रुक जाइए, मैं आपके इंडिया पंकज बेनीवाल निकलिए भाई, पंकज रुक जाइए, चिल्ला के बोलने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस रुक जाइए, दोनों पार्टी नहीं होने वाला,
काम चाहिए पलटन मेरे वालों के लड़नी को रुक जाइए प्लीज रुक जाइए आपके पास लोकसभा में लड़ने के लिए रुक जाइए रुक जाइए आप लोगों वेद प्रकाश विद्रोही जी ये जो बात हुई एक्सरे की इस एक्सरे को भी अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है इसको भी अलग अलग तरीके से रखा जा रहा है तो आप बताएं कि भाई इस एक्सरे के मायने क्या है वरुण जी मैं आपसे आग्रह करूंगा आप बाउल से लेकर और मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने से पहले का थोड़ा इतिहास देखें एमएस तो हर साल हर पांच साल बाद देश का आर्थिक सामाजिक सर्वे गवर्नमेंट करवाती आई है एमएसओ के द्वारा और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर गरीबी की रेखा की स्थिति आंकी जाती थी उन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाई जाती थी उसमें केवल जातिगत सर्वे नहीं होता था पर होता था जब आप जनगणना का फॉर्म देखेंगे आप देखना हर 11 साल बाद जो जनगणना का रिपोर्ट आयोग प्रकाशित करता है मैं हर साल खरीदता हूं बहुत मोटी किताब होती है उसके अंदर पूरे देश की किसकी क्या आर्थिक स्थिति है वो जातिवाद नहीं थी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है सामाजिक स्थिति क्या है जोत किसकी कितनी है संपत्ति देश में कहां है उसके अंदर मौजूद है ऑलरेडी हमने केवल इतना कहा है कि उसके साथ जिस तरह एससी और एसटी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जनगणना में होती है उसी तरह जो पिछड़ा वर्ग है और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भी ऐसी जनगणना होनी चाहिए कि ताकि पता चले कि देश के अंदर किस वर्ग की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है और जब आपको देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता चलेगा तभी तो आप योजनाएं बनाएंगे देश के लिए और एमएसओ का आपके सामने उदाहरण है और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं मैंने किस संदर्भ में गुस्सा आया था वो इसलिए आया था कि आप मेरे बीच में बोल पड़े थे कि आप ये आप शब्द प्रयोग कर रहे हैं मैं किसी बात पर आया था अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके द्वारा भाजपा प्रवक्ता से कि प्रधानमंत्री मोदी जी के वित्त मंत्री ने सवाल उठाया विरासत टैक्स का प्रधानमंत्री के राज्य मंत्री ने उठाया 7 जुलाई 2019 को निर्देश दिया इन्होंने भी वो आगे नहीं बढ़ा इन्होंने भी तो डिबेट के लिए ही तो सवाल उठाए थे अगर मान लो लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ डिबेट के लिए शेर पित्रोदा ने उठा लिया तो मौजूदा सरकार के लोग जो कंटिन्यूटी सरकार है उसमें अगर ये मुद्दा उठाते तो गलत है और एक प्रधानमंत्री ने और असत्य बोल दिया आज ही बोला है प्रधानमंत्री ने कहा जब हमने कहा कि मैं 16 मार्च 85 को राजीव गांधी ने विरासत टैक्स माफ किया है तो कहा राजीव गांधी ने इसलिए विरासत टैक्स माफ किया है ताकि इंदिरा गांधी की संपत्ति ले सके अरे भैया आप देश के प्रधानमंत्री हैं इतना सत्य बोलोगे इंदिरा गांधी को जो विरासत में संपत्ति मिली थी वो 1980 के अंदर उन्होंने जवाहरलाल मेमोरियल ट्रस्ट को सारी दे दी इंदिरा गांधी के पास एक जो दिल्ली का फार्म हाउस था उसके अलावा कोई व्यक्तिगत संपत्ति थी ही नहीं ठीक है जब उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति थी नहीं एक मिनट व्यक्तिगत संपत्ति थी नहीं तो विरासत टैक्स किस बात का और खेती पे टैक्स कौन लाया जीएसटी किसने लगाई मोदी जी ने 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों की बजाय पूंजीपतियों को खेती देने का प्रयास किसने किया मोदी जी ने खेती इनकम टैक्स का प्रयास किसने किया मोदी जी ने आप कर रहे हैं अपनी नीति अनुसार किसान विरोधी मजदूर विरोधी कार्य तो बहुत अच्छा है और दूसरों पर आप असत्य बात बोलकर आरोप लगाते इसलिए मैंने कहा था इन्होंने लास्ट बात कहकर मैं खत्म कर देता हूं माफी मांगते हुए अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मैं माफी मांग लेता हूं आप कह रहे ना विश्व गुरु भाई साहब पहली बार इस देश के अंदर सर पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री को विदेशों के अंदर बाकायदा जो बड़े बड़े अखबार है आपके मीडिया हाउसेज के जो दुनिया के बड़े बड़े अखबार है वसूली विश्व वसूली गुरु कहकर संबोधित किया है ये भारत का सम्मान है। चलिए जी अब हमें तो आदत है इस तरह की चीजें सुनने की एक जल्दी से रिएक्शन ओंकार जी आपका क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप मुझे कुछ ऐसा ना कहें और कहेंगे भी तो ठीक है स्वीकार करेंगे सर बोलिए। देखिए वरुण जी मैं तो कभी बोलूंगा नहीं मैं तो आपका कायल हूँ और दूसरी बात मैं किसी भी प्रवक्ता साथी को नहीं कहता लेकिन एक बात अपने भाई छोटे भाई पंकज जी को जरूर बोलूंगा कि सबको बोलने का मौका दो कोई भी आपके बीच में नहीं बोलेगा हम भी नहीं बोलेंगे। हाँ जहां तक आज सैम पित्रोदा जी का बयान है वो उनका अपना बयान है वो कांग्रेस देखे उसको नुकसान होगा नहीं होगा इसको अगर बीजेपी यूज कर रही है जी क्या कहा पंकज जी
मैंने पूछा क्या कांग्रेस बैकफुट पर आई है इस बयान से। देखिए कांग्रेस को नुकसान तो होता है, लेकिन कोई इस बयान से कोई कांग्रेस बैकफुट पे नहीं आएगी, मेरा ये मानना है। ये बीजेपी इसको बुलाना चाहती है, जो एक गलत बात है। ठीक है जी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स प्रियदर्शनी जी। ये सबसे बड़ी बात इसमें बात समझने की जरूरत है कि जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो गड़े खुदे डालते हैं। प्रधानमंत्री का मैं भी फिलहाल में एक विशेष इंटरव्यू देख रही थी, तो मुझे बड़ी हास्यपद बात कि प्रधानमंत्री या तो 1950 की बात करते हैं या 2040 की बात करते हैं। ना 1950 से आज की पीढ़ी को मतलब है, ना 2040 से आज की पीढ़ी को मतलब है। हमें जानना कि हमें आज क्या मिल रहा है। आपने वादा किया था आपको करोड़ों नौकरियां देंगे, नौकरियां मिली नहीं है। अंदर आता सूट पहन के प्रधानमंत्री जा रहे हैं बदली, लेकिन आज गरीब आदमी घर में रोटी नहीं है। मैं आपको कुछ अखबार दिखाना चाहती हूँ कि विदेशी कुछ अखबार है, ठीक है। इन अखबारों में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में जिस किस्म की शैली बताई गई है, आप उससे शर्म आएगी कि हमें लगेगा कि बताइए आप भारतीय होकर हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में ये सब पढ़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपकी। देश का युवा प्रधानमंत्री से अगर कोई सवाल पूछता है तो सबसे पहला सवाल पूछता है कि इतनी नौकरियां कहाँ है। आप ये जो इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो, पहली बात इन नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा, इनको नाचना आ नहीं रहा है, मुद्दों की ये बात कर नहीं रहे हैं। और उसके समय इतना ही था मेरे पास। पंकज भाई जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिए, आगे कोशिश। कांग्रेस के मेरे बड़े भाई प्रवक्ता साहब ने कहा कि विरासत नहीं मिली। अरे क्या विरासत चाहिए? इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से राहुल गांधी, एक परिवार से बाहर तो निकल नहीं पा रही है कांग्रेस की पार्टी। और कह रही है विरासत नहीं मिली, विरासत में पूरे देश को लूट के खा गए आप लोग। आप लोग कहते हैं कि विरासत नहीं मिली, कमाल कमाल है साहब विद्रोही जी आपका। और मैं एक बार, ये जो प्रवक्ता मैडम बैठी है हमारी प्रियदर्शनी बहन, ये कह रही है कि रोजगार रोजगार बता दूं 6 करोड़ रोजगार मिले इंडियन डिजिटल इकोनॉमी में। और ईपीएफओ के बारे में जानकारी ले लेना कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, उसके अंदर 1.7 करोड़ पिछले साल, इस साल 1.19 करोड़ नए रजिस्ट्रेशन हुए। रियल एस्टेट कहता है कि 3 करोड़ रोजगार दिए। अगर मैं इन्हीं की बात कर लूं तो 10-12 करोड़ ठीक है, पंकज भाई समय नहीं है मेरे पास। और हमने बात की सर शरण कन्याल को के अंदर मोदी सरकार का है, शरण कन्याल को ठीक है, रुक जाइए। हम बहुत बहुत रुक जाइए। सियासी अखाड़ा है, उनका अपने दाव लगाइए, खूब जो कोशिश करनी है करिए, लेकिन शूट द मैसेंजर मत करिए, तकलीफ होती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।